अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, क्या चला, कैसे आपकी तबीयत से यार? आप मुझे पता है कि डिवाइस वगैरह के लिए आए हो, ठीक है। तो मैं आपको यार डिवाइस बता देता हूँ कैसी लेनी चाहिए और कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है। यार फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं ना जो मैं डिवाइस यूज़ करता हूँ ना, ठीक है, ये है मोटरोला की डिवाइस। इस डिवाइस का नेम है मोटरोला वन एक्शन, ठीक है। अब आपको मैं गेम प्ले दिखाऊंगा, ठीक है। जो आपको लैग नज़र आए मुझे बताना, ठीक है। लैग तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यार मैं इस डिवाइस को पूरे पूरे 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अभी तक मैंने ना खुलवाया नहीं है, ठीक है। मोटरोला की डिवाइस है, ठीक है। बहुत ही इस डिवाइस ने ना मेरा साथ दिया है, ठीक है। कभी कहीं ये ग्लिच हो जाता है मेरे साथ, ठीक है, नहीं तो भाई साहब मेरे साथ कभी ये ग्लिच नहीं होता, ठीक है। तो दूसरा, इसी का ही मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ, और पब्लिक मानोगे कि मैंने इसकी इतनी GB फुल की हुई है ना, ठीक है, 100 GB इसकी फुल की हुई है, फिर भी देखो भाई साहब मक्खन की तरह चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये ग्राफिक्स रेंडर हुए हैं ना, ठीक है। यार आप बोलोगे कि ये फेक डिवाइस है, ऐसा कुछ काम नहीं है, ठीक है। मैं हूँ एक कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, जिस वजह से मैंने बहुत सा सामान इस मोबाइल में रखा हुआ है, ठीक है। कैनवा रखा हुआ है, थंबनेल रखा हुआ है, पिक्स आर्ट रखा होता है, कैपकट रखा होता है, या सोशल लिंक ऑल के ऑल, इंस्टाग्राम, हर चीज़ मैंने रखी है, ठीक है। तुम अगर पबजी वगैरह के लिए ये डिवाइस लेना चाहते हो ना, ठीक है, तो ले लेना। मैं आपको बोल रहा हूँ आंखें बंद करके ले लेना, ठीक है। ये आपको OLX पे इजीली मिल जाएगी 15,000 से 20,000 की रेंज में। जो आप एक्वस के ऊपर पैसे ज़ाया करोगे ना, ठीक है, इसको ले लेना, आपको पता लगेगा कोई डिवाइस ली है मैंने, ठीक है। PTA से भी अप्रूव्ड होगा, मोटरोला का मोबाइल है। अब मैं आपके सामने गेम खेल रहा हूँ, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसी गेम चल रही है। आगे जाके इतने इतने मज़े के क्लच आएंगे, इतने ज़्यादा किल करूँगा, आप खुद बोलोगे कि भाई साहब वाकई ही कोई मतलब गेम खेल रहा है असीम भाई। यार मैंने इस डिवाइस को तकरीबन मैं 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे कभी कहीं लैग देखने को मिलता है, आखिर यार 4 साल डिवाइस इतना मतलब वो करेंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं अपने व्लॉगिंग चैनल पे इसका रिव्यू दे दूंगा अपनी डिवाइस का, ये दिखने में कैसी और मैंने कैसे इसका हाल किया हुआ है, फिर आप बोलोगे कि वाकई भाई आसिम आपका ना मानेंगे हम बात। अगर यार मुझे आप सपोर्ट करते हैं मेरे व्लॉगिंग चैनल पे, ठीक है, मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे व्लॉगिंग चैनल का। कमेंट्स में आपने स्पैम करना है अगर आपको डिवाइस का रिव्यू चाहिए हो मेरे वाली का, ठीक है, तो मैं डिवाइस का रिव्यू दूंगा और लाइव कैमरे के ऊपर आपको मैं गेम खेल के दिखाऊंगा और अपनी डिवाइस की कंडीशन दिखाऊंगा। तुम खुद बोलोगे यासिन भाई क्या हल की हुई है आपने, आपको एनिमीज़ कैसे नज़र आता है, बट यार आपको मेरे ऊपर ना दुख सा होगा, ठीक है। यार मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूँ कि जो मतलब इतनी बड़ी डिवाइस ले लूँगा और इतना मतलब वो हूँ। यार मैं इसे 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मज़े की बात यह है कि ये 60 FPS देता है, ठीक है। मुझे देखने में मिलता है इसका 50 FPS, 52 FPS जब एनिमीज़ वगैरह क्लोज होते हैं तो इतना देता है, नहीं तो 60 FPS तो चलाता ही चलाता है। अब मैं यहाँ पे गेम खेलूँगा, ठीक है, आपने खुद हिसाब लगा लेना है, और आपको मैं ना फाइट वगैरह के सीन दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आपने बताना है कि कैसी डिवाइस है, ठीक है। आवाज़ मैं चेंज तेज़ कर रहा हूँ गेम प्ले की, और ख़ुद देख के बताओ मतलब कैसी डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद मैं फिर आपको बताऊँगा कि एक्वस R3 लेना चाहिए या R2 लेना चाहिए, तो वो बेहतर है कि ये बेहतर है, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ओके। बाकी एंजॉय करो गेम को। लेट्स गो, वॉच आउट। ऑसम। Watch out! Excellent work! इसने पता नहीं कैसे मार दिया यार मुझे, बैक को लगते हैं जिस वजह से मैं नॉक हो जाता हूँ, और उसके बाद मैं वहीं पे स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ कर देता हूँ और दूसरा मैच लगाता हूँ। और यहाँ पे देखना भाई साहब आपको खुद पता लग जाएगा कैसी डिवाइस है ये।
Recall me. Got it. I'm recalling a teammate. Thanks. हाँ जी, तो यार आपने ये चीज़ें देख ही ली होंगी। तो यार ये मैं खेल रहा हूँ मोटरोला वन एक्स के ऊपर, ठीक है। ये है 4 GB रैम और 128 GB मेमोरी है टोटल, ठीक है, जिसमें कि मैं 88 मेमोरी ना फुल करके बैठा हुआ हूँ, जिसमें मैंने हैवी डाटा रखा हुआ है, ठीक है, और हैवी गेम खेल रहा हूँ इस वक्त। जो मेरी गेम है, ठीक है, कम से कम 12 GB के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। फिर भी आप हिसाब लगा सकते हो कि इसका ओरिजिनल स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ। और यार मज़े की बात ये भी है कि इसका ओरिजिनल स्क्रीन रिकॉर्डर भी है, जो कि 1080p तक रिकॉर्डिंग करता है 60 FPS के साथ, ठीक है। और इसका अपना भी 60 FPS देता है, ठीक है, स्मूथ वर्सेस एक्सट्रीम देता है, ठीक है, ये डिवाइस। और डिवाइस की यार बात की जाए तो मैं भाई साहब पूरे 4 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, 0 लैग मिला है मुझे इस मोबाइल में, ठीक है। कभी कहीं है जो लैग आ जाता है, वो अपनी मेरी गंदी वजह से ही आता है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा डाटा रखा हुआ है ना इसके अंदर, ठीक है। आप खुद हिसाब लगा लेना कि मैंने इतना, एंड पे मैं आपको 8 GB फुल है, ठीक है, मैंने इस पर यार इतना ज़्यादा डाटा रखा हुआ। अगर आप गेम वगैरह के लिए लेना चाहते हो ना, ठीक है, एक्वस वगैरह को छोड़ दो, ठीक है, ये मोटरोला की तरफ आ जाओ। इसकी मार्केट भी है अभी, ठीक है, और इसका स्नैपड्रैगन भी कोई 865 तक है मेरे ख्याल से। और इतनी स्मूथ गेम चलाते हैं ना, ठीक है यार, शुरू शुरू में ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं था तब, मेरी मेमोरी वगैरह 12 GB 15 GB फुल थी बस, इससे ऊपर मैं कोई डाटा नहीं रखता था अंदर, ठीक है। तो यार अब मैं इसके ऊपर जो डाटा, भाई साहब इतना वजन है, ठीक है यार, आखिर खुद हिसाब लगा लो, 4 GB रैम है, ठीक है, 90 GB लगा लो, ठीक है, 90 GB मैंने फुल की हुई है, ठीक है, जिस वजह से भाई सब इतना मतलब ना वो हो रहा है लैग, मतलब फिर भी नहीं देता, ठीक है। अब मैं खुद हिसाब लगा लेना कि मैं एंड जोन है, ठीक है, मेरे लगभग 8 किल हो गए हैं, सॉरी कितने किल हो गए हैं, मेरे 6 किल हो गए हैं, ठीक है। तो भाई साहब अब खुद हिसाब, और एक्सपोस R3 की आपको बात बताता हूँ। यार सुनने में आया कि जब उसकी 50% बैटरी होती है ना, ठीक है, जिस वजह से वो लैग देने लग जाता है। मेरे दोस्त के पास खुद एक्वर्स R2 है, ठीक है, उसने खुद बताया कि यार जब मेरी 60% बैटरी रहती है ना, ठीक है, फिर गेम बहुत ज़्यादा लैग देता है। तो जिस वजह से वो, उसको मैंने अपनी डिवाइस भी दिखाई थी, वो बोल रहा है यार तेरी डिवाइस भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब यार अंदाज़ा लगा लो कि मैं 4 साल से इसके ऊपर लगातार पबजी खेल रहा हूँ, ठीक है, एक बार मैंने इसकी अभी तक बैटरी चेंज भी नहीं करवाई, बैटरी टाइमिंग भी इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है, कुछ 3500 मेरे ख्याल mAh मिल भी जाएगी, वो मिलेगी कराची से, ठीक है, कराची अब मेरे से बहुत दूर है, ठीक है, जिस वजह से टाइमिंग 15% होती है ना तब जल्दी गिरने लग जाती है, नहीं तो टाइमिंग इसकी ना बिल्कुल ठीक है, मतलब कि 5% पे ना 5% हो ना तो मुझे अरब से आई थी। मेरे पास उस वक्त था कोई अच्छा डिवाइस थी, ठीक है, वो मैंने घर दे दी थी और मैं खुद फिर इसको यूज़ करने लग गया था। यार एक्वस की तरफ ना जाओ, ठीक है, अगर आपको मतलब लेना है ना तो यही मोटरोला का मोबाइल ले लो, कसम से बहुत लेवल का मोबाइल है। अब यहाँ पे गेम का भी एक इशू हो जाएगा, ठीक है, सामने एनिमी होता है मैं उसको मारने जाता हूँ, एक लेफ्ट पे भी एनिमी आ जाता है जिसका मुझे पता ही नहीं होता कि यहाँ पे भी एनिमी है, यहाँ पे मैं अंडे शंडे खा रहा होता हूँ, ठीक है, जिस वजह से साइड से एनिमी आ जाता है। अगर आपको ये मेरी डिवाइस की और भी मोंटेज चाहिए तो ठीक है, बताना मैं आपके लिए ले यार, बहुत अच्छी डिवाइस है, ठीक है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इसके ऊपर खुद भाई इतना
मतलब हार्ड वर्क करता हूँ ठीक है इसके ऊपर, इसे एक बार चार्ज लगाता हूँ तो भाई साहब 4-5 घंटे यूज़ करता हूँ लगातार, पबजी खेलता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑलरेडी लगा होता है ठीक है 24 घंटे कभी कहीं मैं इसके ऊपर। एक मज़े की बात है कि रात को मैं लाइव करता हूँ, वो करता हूँ टर्निप ऐप के ऊपर ठीक है, अगर आपने देखना है तो भाई साहब लाइव भी ज्वाइन कर लिया करो ठीक है, इसी डिवाइस से मैं ना कर रहा होता हूँ लाइव स्ट्रीम ठीक है। और यह डिवाइस बहुत ज़्यादा अच्छी है ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, जितना बोलूँ ना उतना कम है, बहुत ज़्यादा अच्छी है डिवाइस ठीक है। एक्वस वगैरह को छोड़ो ठीक है, ये अगर चाहते हो तो भाई साहब आपको ये 15,000 में ना इजीली पीटी अप्रूव्ड मिल जाएगी ठीक है ओएलएक्स के ऊपर ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको अपना मतलब जीबी दिखा देता हूँ कितनी जीबी फुल है ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेटिंग खोल है ठीक है, जाके मैं अभी आपको स्टोरेज दिखाता हूँ कि कितनी जीबी मैंने फुल की हुई है। ये आ गया स्टोरेज ठीक है, देखो 87 मतलब के 88 है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई साहब मैं कितना मतलब डिवाइस के ऊपर जोर दिया हुआ है ठीक है। एक्वस वगैरह को छोड़ो ठीक है, इन डिवाइसों को ये मोटोरोला के ऊपर आ जाओ जिसकी मार्केट भी है। और पाकी लव यू यार, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताओ, और पाकी दिल से लव यू, बोली कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना। अगर यार आपको मोंटेज वगैरह और चाहिए तो मुझे बताना, और रात को लाइव ज्वाइन किया करो यार, वहाँ पर मतलब मैं आपको ना फुल रिव्यू दे दूँगा। और इसका डिवाइस का रिव्यू चाहिए, मेरी डिवाइस देखना चाहते हो वो दिखने में कैसी है, तो मैं फिर आपको ना व्लॉगिंग चैनल के ऊपर एक वीडियो बना दूँगा, और कमेंट्स में बताना कि मैं लेके आऊँ इसका ठीक है। और बाकी दिल से लव यू पब्लिक, कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना। बाकी यार बताना मतलब आपके लिए मैं क्या लेके आऊँ, मतलब इसकी क्या क्या चीज़ आपको पसंद पूछनी है, और उसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगा ठीक है। और बाकी लव यू यार, बाय बाय।